कोवर्किंग स्पेस में आई तेजी पर देसी ब्रांड ऑफिस के फाउंडर अमित रमनी से बातचीत, ई व्हीकल के बाजार में स्पेशलाइजेशन और नीट क्लियर करने में स्टूडेंट्स की मदद में जुटा neetprep.com का बिजनेस मॉडल। इस पाव पैक शो को लेकर मैं हर्षदा आपके लिए लेकर आई हूं स्टार्टअप की दुनिया का आपका पसंदीदा शो आवाज एंटरप्रेन्योर। आपका बिजनेस चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, हर किसी को जरूरत है एक बढ़िया ऑफिस की, और आमतौर पर एक बढ़िया ऑफिस स्पेस ढूंढने में अच्छे से अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन आज के लिए कुछ आसान हो गया है थैंक्स टू कोवर्किंग स्पेसेस। हाल ही में कोवर्किंग सेक्टर पर रियल एस्टेट रिसर्च फर्म नाइट फ्रैंक ने रिपोर्ट जारी की, जिसमें 2010 से कोवर्किंग स्पेस में 3000% और इसमें काम करने वाले लोगों में 8000% की बढ़त दर्ज हुई है। ये आंकड़े कोवर्किंग स्पेस में बढ़ रही तेजी को बयान कर रहे हैं। यहाँ देसी विदेशी 200 से अधिक प्लेयर्स हैं जो कारोबार को मजबूत करने में जुटे हैं। बढ़ती मांग, बढ़ता कंपटीशन में किस तरह के चैलेंजेस हैं और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़ गए हैं ऑफिस के फाउंडर अमित रमनी। अमित, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर और इस खास शो आवाज एंटरप्रेन्योर में। इनफैक्ट हम ये देख रहे थे कि 2018 में सबसे ज्यादा एक्शन अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत में हुआ है, उसमें कोवर्किंग स्पेस का भी नाम जड़ा है। एक के बाद एक ढेर सारे प्लेयर्स आए हैं, इंडियन पार्टनर्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, विदेशी प्लेयर्स इस मार्केट में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताइए, ऑफिस की आपने जब शुरुआत की तब आपको क्या अंदाजा था कि 2018 में इतनी ग्रोथ, इतना एक्शन देखने को मिलेगा? हर्षदा, हम जब व्हेन वी हैड स्टार्ट द बिजनेस, हमारा फोकस था कि आप एक SME जो इस कंट्री का बैकबोन है, जो ऑलमोस्ट 80% कारोबार और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, उसके लिए हमने ये सॉल्व करने के लिए ये बिजनेस शुरू किया था। सो हमें क्लियरली ये दिख रहा था कि अगर SME की आप नीड सॉल्व करेंगे, जो 50 मिलियन वाइट कॉलर वर्कर्स हैं उसमें से ऑलमोस्ट 70% SMEs हैं, सो क्लियरली हमने देखा कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। इसीलिए हमने पहले साल वी प्रिपेयर्ड टू मेक श्योर के हमारे पास सिर्फ 300 सीटें थी, नेक्स्ट ईयर वी ग्रू टू अबाउट 3000 एंड द लास्ट ईयर वी हैव ग्रोन बाय ऑलमोस्ट 22000 सीटें हमने ऐड करी हैं। सो एक्सपेंशन का प्लान तो पहले दिन से ही था, क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है इतना अंडर सर्विस्ड है फॉर क्वालिटी वर्क स्पेस। हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि इतनी ग्रोथ हम देखेंगे ओवर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स। ओके, तो क्या ट्रिगर पॉइंट था, द वेरी फैक्ट कि क्वालिटी वर्क स्पेस नहीं थी, या फिर इस देश में इतनी कमर्शियल प्रॉपर्टी पड़ी है जिसका इस्तेमाल शायद बिल्डर्स ठीक से नहीं कर पा रहे थे या फिर उसे बेच नहीं पा रहे थे और उसी पर आप लोगों ने हथौड़ा मारा और उसका फायदा उठाया? बिल्कुल हर्षदा, हमारा ये मानना था कि जो सप्लाई है इस कंट्री में, जो एक डेवलपर्स हैं, जो प्रोफेशनल डेवलपर्स हैं, वो सिर्फ 300 मिलियन स्क्वायर फीट 900 मिलियन में से मैनेज करते हैं। तो 600 मिलियन स्क्वायर फीट जो है वो बेसिकली इन्वेस्टर्स के पास है। तो हमने ये मुआयना लगाया कि अगर हम उनके पास जाएंगे और हम उनके साथ पार्टनरशिप करके उनको वो सप्लाई क्यूरेट कर सकते हैं, जहाँ पे किसी को अगर एक सीट चाहिए, किसी को 500 सीटें चाहिए, किसी को एक घंटे के लिए चाहिए, किसी को 5 साल के लिए चाहिए, अगर हम ये फ्लेक्सिबिलिटी और ये एक्सेसिबिलिटी ले आएंगे तो SME, एंटरप्राइज कस्टमर, स्टार्टअप और फ्रीलांसर सब इसको अडॉप्ट करेंगे। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। एंड इसी करके हमारा जो मॉडल है उसमें ऑलमोस्ट 70% जो स्पेस है इज इन पार्टनरशिप विद द लैंडलॉर्ड, सिर्फ 30% जो है हम डायरेक्ट स्ट्रेट लीज करते हैं। अब हम सब जानते हैं कि शायद कुछ सालों में ये मेट्रो वाला मार्केट सैचुरेट हो जाएगा, इसमें आगे चलकर लोग बिजनेस या तो कंसोलिडेट करने पर फोकस करेंगे या फिर बंद करने पर, एग्जिट्स पर फोकस करेंगे। लेकिन आपने क्या वो अपॉर्चुनिटी देखी है कि ये कारोबार आप बड़े शहरों से आगे tier 2, tier 1 सिटीज में भी शुरू कर सकते हैं? क्या उस तरह का माहौल बन रहा है? सो हर्षिता, हमारा फोकस पहले 3 साल में 7 मेट्रोज में रहा, सो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा एंड गुड़गांव सिटीज, राइट, 9 सिटीज। तो अभी हमने चंडीगढ़ में एंट्री करी है। हमारा प्लान इस साल इंदौर, भुवनेश्वर, जयपुर, अहमदाबाद, कोची
सिटीज़ में जाने का भी है। आप देखिए, अगर कोई भी कारोबार आज अगर टीयर टू या टीयर थ्री या रूरल मार्केट्स को अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा तो उनको टीयर टू मार्केट में जाके या टीयर थ्री मार्केट्स में जाके भी उनको अपना एक बेस इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। हम जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो जो आज की कंपनियां हैं जो अपना कारोबार एक्सपैंड कर रही हैं, देखिए जैसे अगर कोई स्टार्टअप है या कोई एंटरप्राइज कस्टमर है जिसको वो एक्सेस चाहिए तो हम उन्हीं की जो नीड है वो सॉल्व कर रहे हैं एंड उसके करके वी आर वेरी बुलिश के टियर टू मार्केट्स विल आल्सो सी अ वेरी गुड अडॉप्शन ऑफ कोवर्किंग। ओके, आप बेसिकली क्या ग्राउंड वर्क करते हैं, क्या क्लाइंट्स की ओर से या फिर वायबल कस्टमर्स की ओर से इंक्वायरीज पर फोकस रहता है, स्पेस अवेलेबिलिटी पर फोकस रहता है, आप वो डिसीजन कैसे लेते हैं कि चंडीगढ़ हो या फिर आगे चलकर कोई और दूसरा शहर हो वहां पर एक कोवर्किंग स्पेस की जरूरत है और हमें एक्स पॉइंट पर इसे खोलनी चाहिए? तो व्हेन द इंक्वायरी स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम आवर करंट बेस एंड ऑल्सो जो हमारे ब्रोकर जो हमारे पार्टनर्स हैं उन लोगों ने आके ये सवाल पूछने शुरू किए तो हमें दिखा कि इसमें अपॉर्चुनिटी है एंड उसके करके फिर हमने अपनी रिसर्च टीम हर 5 या 6 शहरों जो मैंने आपसे पहले बोले उनमें लगाई। हमने अंडरस्टैंड किया कि कमर्शियल एक्टिविटी कितनी हो रही है, क्या एक्सपेंशन है ईयर ऑन ईयर उस कमर्शियल एक्टिविटी का, कितनी एसएमई कंपनियां हैं उस शहरों में, कितनी एंटरप्राइज कंपनियां हैं और वो कहाँ पे हैं और कितनी ग्रोथ है। हमने ये भी मुआयना लगाया कि क्या कॉम्पिटिटर्स वहाँ ऑलरेडी हैं। हमने सोचा कि अगर इन सिटीज़ में ऑलरेडी देर इज कॉम्पिटिशन इज ऑलरेडी इस्टेब्लिश, हमारे एंटरप्राइज एंड एसएमई कस्टमर्स डिमांड कर रहे हैं कि हम वहाँ पे जगह खोलें तो ऑटोमेटिकली ही देर इज अ अपॉर्चुनिटी इन इन दोज टीयर टू सिटीज। आप लोग तो एक ब्रांड बन गए, WeWork एक ब्रांड है, 91 Springboard एक ब्रांड है, कई सारे ब्रांड्स हैं। अब आप लोगों ने पहले अर्ली स्टार्टर एडवांटेज लिया और अपना ब्रांड एस्टेब्लिश किया, अगर इस समय कोई नया ब्रांड आना चाहता है तो उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा? इट्स नॉट रियली ईजी सेटिंग एनी बिजनेस, लेकिन अगर आपने किसी को गाइड करना हो क्या आपकी पैरामीटर्स रहेंगे एक नए एब्सोल्युटली वर्जन एंटरप्रेन्योर के लिए इस बिजनेस में उतरने के लिए? हर्षदा, आई थिंक सबसे बड़ा जो यू नो दी अपॉर्चुनिटी हेयर इज दैट दिस इज अ ये सर्विस का एक बिजनेस है। रियल एस्टेट तो आप जो डिसीजन लेते हैं या कस्टमर लेता है या अपने लैंडलॉर्ड के साथ लेते हैं वो तो साल में एक बार दो बार या लैंडलॉर्ड के साथ एक बार 6 या 9 साल में होता है, बट आपका कस्टमर इज कमिंग टू यू एवरी डे फॉर 8 to 10 hours. सो यू क्लियरली हैव टू थिंक ऑफ दिस एज अ डे होटल, यू हैव टू थिंक ऑफ दिस कि ये सर्विस का बिजनेस है। रियल एस्टेट एक स्टार्टिंग पॉइंट है बट अगर आप उस कस्टमर को सर्विस नहीं दे पाएंगे तो देन द ब्रांड विल सफर एंड द बिजनेस विल सफर। तो क्लियरली अगर आप इसमें घुस रहे हैं यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एज अ हॉस्पिटैलिटी या होटल जैसा बिजनेस है जिसमें एक आदमी 8 से 10 घंटे एट द शार्पेस्ट डे माइंड ऑफ द डे इज सिटिंग विद यू। ओके, सो बड़ा क्लियरली वन हैज टू अंडरस्टैंड कि ये रियल एस्टेट का बिजनेस नहीं है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है एंड इसमें सर्विस का फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट नेक्स्ट फॉर ऑफिस? आपने बड़े पैमाने पर हाल ही में फंड्स भी रेज किए हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, किन किन एरियाज में आप अब एक्सपैंड करना चाहेंगे? सो हर्षदा, हमारा गोल बड़ा क्लियर है। आज हम 25,000 सीटों पर बैठे हैं, वी हैव एज अ कंपनी एज अ स्टार्टअप अ 2-year-old ऑपरेशनल बिजनेस हम प्रॉफिटेबल हो गए हैं एट अ कंपनी लेवल। सो हमारा फोकस है टू क्लियरली इन नेक्स्ट 3 सालों में 2 लाख सीटें क्यूरेट करने का 15 सिटीज़ में, 9 सिटीज़ में हम ऑलरेडी हैं, 6 सिटी इस साल ऐड करेंगे और एक्सपैंड फर्दर 19 सिटीज़ में करेंगे एंड टेक द कंपनी इन 2022 IPO. And that's our clear focus and that's where we are geared for. ये आपने मुझे एक हेडलाइन दे दी है कि ऑफिस 2022 में IPO की तैयारी कर रहा है। इस तरह के बिजनेस में रिटेल निवेशक पैसे लगाएंगे, उतनी एपेटाइट आपको समझ में आ रही है या फिर इसे एक प्योर रियल एस्टेट बिजनेस की तरह देखा जाएगा? हर्षिता, ये प्योर रियल एस्टेट बिजनेस तो बिल्कुल भी नहीं है, ये एक सर्विस का बिजनेस है जहाँ पे आपने एक यू नो अपॉर्चुनिटी दी है इस कंट्री की एसएमई को सॉल्व करने की
एंड उस सॉल्यूशन के करके इट्स अ प्योर सर्विसेज बिजनेस. हमारा जो मॉडल है उसमें हम पार्टनर करते हैं अपने लैंडलॉर्ड के साथ. सो हमारा जो सप्लाई क्यूरेशन है इज ऑलवेज इन पार्टनरशिप विद द लैंडलॉर्ड. तो हम अपनी कंपनी को एक सर्विस बिजनेस, एक मार्केटिंग बिजनेस, एक ब्रांडेड बिजनेस की तरह देखते हैं, ना कि एक रियल एस्टेट बिजनेस की तरह देखते हैं. ओके अमित रमनी, लुक फॉरवर्ड टू दैट आईपीओ एंड ऑल द वेरी बेस्ट. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए. थैंक यू अर्षदा. इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ. आप देख रहे हैं स्टार्टअप की दुनिया का ताजा हाल बताने वाला पहला हिंदी कार्यक्रम आवाज एंटरप्रेन्योर. जहां फिनटेक ने फाइनेंस को आम लोगों के लिए आसान बनाया है, वहीं एजुटेक ने शिक्षा के कई दरवाजे खोल दिए हैं. फिर चाहे किंडरगार्टन की पढ़ाई हो या फिर डॉक्टरी की, टेक्नोलॉजी में शिक्षा के आड़े आ रहे हर मुश्किल को पार करने की ताकत है. इसी के दम पर कपिल गुप्ता और जयप्रकाश ने डॉक्टर बनने के लिए जरूरी एंट्रेंस एग्जाम यानी कि नीट प्रिपरेशन के महंगे कोचिंग को बनाया है किफायती. हर साल करीब 10 से 12 लाख स्टूडेंट्स डॉक्टर बनने के लिए नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के लिए पढ़ाई करते हैं, लेकिन बढ़ते कॉम्पिटिशन और लिमिटेड सीट की रेस में टिक पाना बेहद मुश्किल है. महंगी कोचिंग क्लासेस और ढेर सारा सिलेबस, ये दो ऐसी मुसीबतें हैं जिसकी वजह से कई बच्चे इस रेस में पीछे छूट जाते हैं. नीट के लिए पढ़ रहे प्रशांत सिंह के सामने भी यही परेशानी थी, लेकिन उन्हें मदद मिली नीट प्रेप की. प्रशांत बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट के वक्त पर सिलेबस खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं. नीट प्रेप के बारे में मुझे तब पता लगा जब मैं प्रिपरेशन के लिए वीडियो सर्च कर रहा था, क्योंकि एक्चुअली मेरे घर से कोचिंग सेंटर्स बहुत दूर दूर हैं. तो ऑनलाइन लेक्चर्स मेरे लिए इसलिए प्रेफरेबल है क्योंकि दूर है और एक तो कॉस्टली भी है. तो इसलिए ऑनलाइन सर्च कर रहा था और इसके बाद फिर सर्च करते करते मुझे नीट प्रेप के बारे में पता चला. तो फिर वहाँ पे उसमें नीचे डिटेल्स दी थी कैसे कॉन्टैक्ट करना है, क्या करना है. तो मैंने कॉल करके उनको पूछा कि क्या है, कैसे करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है नीट की और कैसे स्कोर कर सकते हैं. तो फिर उनके काउंसलर्स ने मुझे बताया कि कैसे कैसे करना है. तो उसके बाद फिर मैंने ये सब उसके बाद कोर्स परचेज किया. नीट प्रेप एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसकी शुरुआत की दो दोस्त कपिल गुप्ता और जयप्रकाश ने. हमेशा से एजुकेशन सेक्टर में जाने के इच्छुक इन दो दोस्तों ने काम के सिलसिले में बिहार के एक छोटे शहर का जायजा लिया. अपने सफर में इन्होंने जाना कि इन इलाकों में उच्च शिक्षा का स्तर काफी खराब है और इसे बेहतर करने का सबसे अच्छा तरीका है टेक्नोलॉजी. बस इसी आइडिया और इरादे के साथ 2016 में शुरू हुआ एडटेक स्टार्टअप नीट प्रेप. हमें लगता था कि टेक्नोलॉजी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. जब 2016 में हमने स्टार्ट किया, टेक्नोलॉजीज वर कमिंग अप और हमें लगा कि टेक्नोलॉजी के थ्रू देश के कोने कोने में हम बच्चों को बेस्ट टीचर से पढ़ा सकते हैं. तो आइडिया बेसिकली बहुत सिंपलिस्टिक लेवल पर ये था. आज हम जहाँ पे हैं और वो आइडिया जो था, ऑब्वियसली उसके बीच में बहुत सारा काम गया. नीट प्रेप के कारोबार का सफर शुरू हुआ अच्छे टीचर्स खोजने से. स्टूडेंट्स के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए नीट प्रेप ने काबिल अध्यापकों का एक नेटवर्क बनाया. इसके बाद इन टीचर्स के साथ मिलकर सिलेबस को कैटेगराइज किया और वेबसाइट और ऐप पर मौजूद कराया. स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म पर जाकर ईयरली पेमेंट के जरिए कोर्स खरीद सकते हैं. नीट प्रेप वीडियोस, लाइव सेशन और मॉक टेस्ट के जरिए कोचिंग देता है. ये कोचिंग वेबसाइट, यूट्यूब और कंपनी के ऐप के जरिए ली जा सकती है. शुरुआती कुछ क्लासेस फ्री होती हैं, जिसके बाद स्टूडेंट्स को फीस देनी पड़ती है. नीट प्रेप की ऐप और वेबसाइट पर वीडियोस के साथ स्टूडेंट्स क्विज और क्वेश्चंस पेपर के जरिए तैयारी कर सकते हैं. हर चैप्टर की प्रोग्रेस को रिकॉर्ड कर स्टूडेंट वक्त पर अपनी तैयारी कर सकते हैं और उसे ट्रैक भी कर सकते हैं. किसी भी सवाल या चैप्टर के सिर्फ जवाब ही नहीं बल्कि उसकी एक्सप्लेनेशन भी मिलती है और फिर भी सवाल होने पर उन्हें लाइव सेशन में हल किया जा सकता है. नीट प्रेप के जरिए स्टूडेंट्स को मिलने वाली सहूलियत ही स्टार्टअप्स के लिए सबसे बड़ी ताकत है. जहां नीट प्रेप के साथ स्टूडेंट्स को ना तो कोटा या दूसरे शहरों में जाकर महंगी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी होती है, न ही सिर्फ किताबें लेकर सिलेबस का सारा बोझ अपने सिर लेना होता है. सटीक शेड्यूल और अच्छे टीचर का घर बैठे इंतजाम, नीट प्रेप की इसी खासियत की वजह से प्लेटफॉर्म पर 8000 बच्चे कोर्स ले चुके हैं. यदि आपके पास पैसा है 3-4-5 लाख 2 साल खर्च करने के लिए, आप कोटा या दिल्ली चले जाइए, एक बड़े से कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए. एंड आपको ये सुकून होगा कि आप उस जगह पे गए जहाँ से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है. दूसरा ऑप्शन, यदि आप दूर दराज के इलाके में रहते हैं, आपके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, तो किताबें लीजिए,
जो 1000-2000 रुपए की आएंगी और उनसे पढ़ लीजिए, पर उससे पढ़ना बहुत मुश्किल है। 97 चैप्टर है नीट के सिलेबस में, इतना आसान नहीं है अपने आप को पेस कर पाना और अपना मोटिवेशन कॉन्फिडेंस रख पाना कि हाँ मैं 97 चैप्टर बिना फंसे पढ़ लूँगा। तीसरा ऑप्शन जो इन दोनों के बीच में है वो है एक ऑनलाइन कोचिंग जो नीट प्रेप प्रोवाइड करता है। तो ये 2000 का प्रोडक्ट नहीं है और ये 5 लाख का प्रोडक्ट नहीं है, बीच में करीब ये आता है 25 से 30 हज़ार साल का, जिसमें हम बच्चों को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जो उन्हें एक कोचिंग में मिलेंगी, पर ये सारी चीज़ें वो घर पे बैठ के कर रहे हैं। तो उस सेंस में अपने आप खर्चा कम हो जाएगा, क्योंकि आप जब बिहार से, यूपी से, आसाम से, मध्य प्रदेश से कोटा जाएंगे, आपका रहने खाने का ही 2 साल का कम से कम 1.5 से 2 लाख का खर्चा हो जाएगा। तो कोशिश ये है बच्चे को बेस्ट टीचर से पढ़ने के लिए वीडियो मिले, और उसके अलावा एक सेट ऑफ गाइडलाइंस मिले कि आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, आप इस शेड्यूल को फॉलो करेंगे, डेली अपडेट करेंगे, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे हैं। नीट प्रेप ने कारोबार की शुरुआत करीब 2.5 करोड़ की शुरुआती निवेश से की। ट्रैक्शन लैब्स, कुणाल शाह, मैकिन महेश्वरी जैसे एंजल इन्वेस्टर से जुटाए इस निवेश का बड़ा हिस्सा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और मार्केटिंग पर किया जा रहा है। कंपनी को रेवेन्यू आता है कोर्स फी के जरिए, जिसमें टीचर्स के साथ रॉयल्टी बेस्ड रेवेन्यू शेयरिंग होती है। फिलहाल नीट प्रेप 14 से 15 करोड़ का सालाना रेवेन्यू कमा रही है, जिसका बड़ा हिस्सा उत्तर भारत और महाराष्ट्र के क्षेत्र से आता है। कंपनी आने वाले 1 से 1.5 साल में 100 करोड़ का रेवेन्यू और 50,000 से 1 लाख स्टूडेंट्स तक पहुंच बनाना चाहती है। स्टार्टअप को यकीन है कि इस मार्केट में एक्सपेंशन के लिए अच्छा स्कोप है। एक फिजिकल इंस्टीट्यूट उन सब जगहों पे नहीं पहुंच सकता जहां पे हम पहुंच रहे हैं, और जैसे जैसे बच्चों का विश्वास बढ़ेगा ऑनलाइन कोचिंग की तरफ, वी विल ग्रो एंड दे विल स्टैग्नेट। तो ये बहुत ही सिंपल है। एक्चुअली हम लोग का कॉम्पिटिशन खुद से ही है और खुद की एम्बिशन से ही है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से नहीं है। एंट्रेंस की तैयारी करते बच्चों की बढ़ती संख्या और अच्छी शिक्षा की जरूरत, ये भी नीट प्रेप के लिए एक अच्छा मार्केट जरूर तैयार कर रही है। लेकिन कॉलेज की सीट्स की तरह यहाँ भी कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। टॉपर और आकाश इंस्टीट्यूट के अलावा बायजूस, खान अकेडमी, अवंती और मेरिट नेशन जैसे कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में खुद की जरूरत बनाए रखना मुशक्कत का काम होगा। वी विश देम ऑल द बेस्ट। भावना सती, दिल्ली। यहाँ लेंगे एक छोटा ब्रेक, आगे देखिए ई व्हीकल्स के डिजाइन में आ रहे इनोवेशन। कोवर्किंग स्पेस में आई तेजी पर देसी ब्रांड ऑफिस के फाउंडर अमित रमनी से बातचीत, ई व्हीकल के बाजार में स्पेशलाइजेशन और नीट क्लियर करने में स्टूडेंट्स की मदद में जुटा neetprep.com का बिजनेस मॉडल। इस पावर पैक शो को लेकर मैं हर्षदा आपके लेकर आई हूं स्टार्टअप की दुनिया का आपका पसंदीदा शो आवाज एंटरप्रेन्योर। आपका बिजनेस चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, हर किसी को जरूरत है एक बढ़िया ऑफिस की, और आमतौर पर एक बढ़िया ऑफिस स्पेस ढूंढने में अच्छे से अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन आजकल ये कुछ आसान हो गया है थैंक्स टू कोवर्किंग स्पेसेस। हाल ही में कोवर्किंग सेक्टर पर रियल एस्टेट रिसर्च फर्म नाइट फ्रैंक ने रिपोर्ट जारी की, जिसमें 2010 से कोवर्किंग स्पेस में 3000% और इसमें काम करने वाले लोगों में 8000% की बढ़त दर्ज हुई है। ये आंकड़े कोवर्किंग स्पेस में बढ़ रही तेजी को बयान कर रहे हैं। यहाँ देसी विदेशी 200 से अधिक प्लेयर्स हैं जो कारोबार को मजबूत करने में जुटे हैं। बढ़ती मांग, बढ़ता कंपटीशन में किस तरह के चैलेंजेस हैं और किस तरह की अपॉर्चुनिटीज, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़ गए हैं ऑफिस के फाउंडर अमित रमनी। अमित, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर और इस खास शो आवाज एंटरप्रेन्योर में। इनफैक्ट हम ये देख रहे थे कि 2018 में सबसे ज्यादा एक्शन अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत में हुआ है, उसमें कोवर्किंग स्पेस का भी नाम जड़ा है। एक के बाद एक ढेर सारे प्लेयर्स आए हैं, इंडियन पार्टनर्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, विदेशी प्लेयर्स इस मार्केट में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताइए, ऑफिस की आपने जब शुरुआत की तब आपको क्या अंदाजा था कि 2018 में इतनी ग्रोथ, इतना एक्शन देखने को मिलेगा? हर्षदा, हम जब व्हेन वी हैड स्टार्टेड द बिजनेस, हमारा फोकस था कि आप एक SME जो इस कंट्री का बैकबोन है, जो ऑलमोस्ट 80% कारोबार और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, उसके लिए हमने ये सॉल्व करने के लिए ये
बिजनेस शुरू किया था. सो हमें क्लियरली ये दिख रहा था कि अगर एसएमई की आप नीड सॉल्व करेंगे, जो 50 मिलियन वाइट कॉलर वर्कर्स हैं उसमें से ऑलमोस्ट 70% एसएमईज हैं. सो क्लियरली हमने देखा कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है. इसीलिए हमने पहले साल यू नो वी प्रिपेयर्ड टू मेक श्योर के हमारे पास सिर्फ 300 सीटें थी. नेक्स्ट ईयर वी ग्रू टू अबाउट 3000 एंड द लास्ट ईयर वी हैव ग्रोन बाय ऑलमोस्ट 22,000 सीटें हमने ऐड करी हैं. सो एक्सपेंशन का प्लान तो पहले दिन से ही था, क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है इतना अंडर सर्विस्ड है फॉर क्वालिटी वर्क स्पेस. हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि इतनी ग्रोथ हम देखेंगे ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स. ओके, तो क्या ट्रिगर पॉइंट था, द वेरी फैक्ट कि क्वालिटी वर्क स्पेस नहीं थी, या फिर इस देश में इतनी कमर्शियल प्रॉपर्टी पड़ी है जिसका इस्तेमाल शायद बिल्डर्स ठीक से नहीं कर पा रहे थे या फिर उसे बेच नहीं पा रहे थे और उसी पर आप लोगों ने हथौड़ा मारा और उसका फायदा उठाया? बिल्कुल अर्शदा, हमारा ये मानना था कि जो सप्लाई है इस कंट्री में, जो एक डेवलपर्स हैं, जो प्रोफेशनल डेवलपर्स हैं, वो सिर्फ 300 मिलियन स्क्वायर फीट 900 मिलियन में से मैनेज करते हैं. तो 600 मिलियन स्क्वायर फीट जो है वो बेसिकली इन्वेस्टर्स के पास है. तो हमने ये मुआयना लगाया कि अगर हम उनके पास जाएंगे और हम उनके साथ पार्टनरशिप करके उनको वो सप्लाई क्यूरेट कर सकते हैं, जहाँ पे किसी को अगर एक सीट चाहिए, किसी को 500 सीटें चाहिए, किसी को एक घंटे के लिए चाहिए, किसी को 5 साल के लिए चाहिए, अगर हम ये फ्लेक्सिबिलिटी और ये एक्सेसिबिलिटी ले आएंगे तो एसएमई, एंटरप्राइज कस्टमर, स्टार्टअप और फ्रीलांसर सब इसको अडॉप्ट करेंगे. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड. एंड इसी करके हमारा जो मॉडल है उसमें ऑलमोस्ट 70% जो स्पेस है इज इन पार्टनरशिप विद द लैंडलॉर्ड. सिर्फ 30% जो है हम डायरेक्ट स्ट्रेट लीज करते हैं. अब हम सब जानते हैं कि शायद कुछ सालों में ये मेट्रो वाला मार्केट सैचुरेट हो जाएगा, इसमें आगे चलकर लोग बिजनेस या तो कंसोलिडेट करने पर फोकस करेंगे या फिर बंद करने पर, एग्जिट्स पर फोकस करेंगे. लेकिन आपने क्या वो अपॉर्चुनिटी देखी है कि ये कारोबार आप बड़े शहरों से आगे टियर 2 टियर 1 सिटीज में भी शुरू कर सकते हैं? क्या उस तरह का माहौल बन रहा है? सो अर्शदा, हमारा फोकस पहले 3 साल में 7 मेट्रोज में रहा. सो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा एंड गुड़गांव सिटीज़, राइट, 9 सिटीज़. तो अभी हमने चंडीगढ़ में एंट्री करी है. हमारा प्लान इस साल इंदौर, भुवनेश्वर, जयपुर, अहमदाबाद, कोची सिटीज़ में जाने का भी है. सी आप देखिए, अगर कोई भी कारोबार आज अगर टियर 2 या टियर 3 या रूरल मार्केट्स को अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा तो उनको टियर 2 मार्केट में जाके या टियर 3 मार्केट्स में जाके भी उनको अपना एक बेस एस्टेब्लिश करना पड़ेगा. सो हम जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो जो आज की कंपनियां हैं जो अपना कारोबार एक्सपैंड कर रही हैं, देखिए जैसे अगर कोई स्टार्टअप है या कोई एंटरप्राइज कस्टमर है जिसको वो एक्सेस चाहिए, तो हम उन्हीं की जो नीड है वो सॉल्व कर रहे हैं. एंड उसके करके वी आर वेरी बुलिश के टियर 2 मार्केट्स विल आल्सो सी अ वेरी गुड अडॉप्शन ऑफ कोवर्किंग. ओके, आप बेसिकली क्या ग्राउंड वर्क करते हैं? क्या क्लाइंट्स की ओर से या फिर वायबल कस्टमर्स की ओर से इंक्वायरीज पर फोकस रहता है, स्पेस अवेलेबिलिटी पर फोकस रहता है? आप वो डिसीजन कैसे लेते हैं कि चंडीगढ़ हो या फिर आगे चलकर कोई और दूसरा शहर हो, वहां पर एक कोवर्किंग स्पेस की जरूरत है और हमें एक्स पॉइंट पर इसे खोलनी चाहिए? तो व्हेन द इंक्वायरी स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम आवर करंट बेस एंड ऑल्सो जो हमारे ब्रोकर जो हमारे पार्टनर्स हैं, उन लोगों ने आके ये सवाल पूछने शुरू किए, तो हमें दिखा कि इसमें अपॉर्चुनिटी है. एंड उसके करके फिर हमने अपनी रिसर्च टीम हर 5 या 6 शहरों जो मैंने आपसे पहले बोले उनमें लगाई. हमने अंडरस्टैंड किया कि कमर्शियल एक्टिविटी कितनी हो रही है, क्या एक्सपेंशन है ईयर ऑन ईयर उस कमर्शियल एक्टिविटी का, कितनी एसएमई कंपनियां हैं उस शहरों में, कितनी एंटरप्राइज कंपनियां हैं और वो कहाँ पे हैं और कितनी ग्रोथ है. हमने ये भी मुआयना लगाया कि क्या कॉम्पिटिटर्स वहाँ ऑलरेडी हैं. सो हमने सोचा कि अगर इन सिटीज़ में ऑलरेडी देर इज़ कॉम्पिटिशन इज़ ऑलरेडी इस्टेब्लिश, हमारे एंटरप्राइज एंड एसएमई कस्टमर्स डिमांड कर रहे हैं कि हम वहाँ पे जगह खोलें, तो ऑटोमेटिकली ही देर इज़ अ अपॉर्चुनिटी इन दोज टियर 2 सिटीज़. आप लोग तो एक ब्रांड बन गए, WeWork एक ब्रांड है, 91 स्प्रिंगबोर्ड एक ब्रांड है, कई सारे ब्रांड्स हैं. अब आप लोगों ने पहले अर्ली स्टार्टर एडवांटेज लिया और अपना ब्रांड एस्टेब्लिश किया. अगर इस समय कोई नया ब्रांड आना चाहता है तो उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा? इट्स नॉट रियली इजी सेटिंग एनी बिजनेस, लेकिन अगर आपने किसी को गाइड करना हो,
क्या आपकी पैरामीटर्स रहेंगे एक नए एब्सोल्युटली वर्जिन एंटरप्रेन्योर के लिए इस बिजनेस में उतरने के लिए? हर्षदा, आई थिंक सबसे बड़ा जो यू नो दी अपॉर्चुनिटी हेयर इज दैट दिस इज अ ये सर्विस का एक बिजनेस है. रियल एस्टेट तो आप जो डिसीजन लेते हैं या कस्टमर लेता है या अपने लैंडलॉर्ड के साथ लेते हैं वो तो साल में एक बार दो बार या लैंडलॉर्ड के साथ एक बार छः या नौ साल में होता है. बट आपका कस्टमर इज कमिंग टू यू एवरी डे फॉर 8 to 10 hours. सो यू क्लियरली हैव टू थिंक ऑफ दिस एज अ डे होटल. यू हैव टू थिंक ऑफ दिस कि ये सर्विस का बिजनेस है. रियल एस्टेट एक स्टार्टिंग पॉइंट है बट अगर आप उस कस्टमर को सर्विस नहीं दे पाएंगे तो देन द ब्रांड विल सफर एंड द बिजनेस विल सफर. तो क्लियरली अगर आप इसमें घुस रहे हैं यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एज अ हॉस्पिटैलिटी या होटल जैसा बिजनेस है जिसमें एक आदमी 8 to 10 hours एट द शार्पेस्ट डे माइंड ऑफ द डे इज सिटिंग विथ यू. ओके, सो बड़ा क्लियरली वन हैज टू अंडरस्टैंड कि ये रियल एस्टेट का बिजनेस नहीं है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है एंड इसमें सर्विस का फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट नेक्स्ट फॉर ऑफिस? आपने बड़े पैमाने पर हाल ही में फंड्स भी रेज किए हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, किन किन एरियाज में आप अब एक्सपैंड करना चाहेंगे? सो हर्षदा, हमारा गोल बड़ा क्लियर है. आज हम 25,000 सीटों पर बैठे हैं. वी हैव एज अ कंपनी एज अ स्टार्टअप अ 2 year ओल्ड ऑपरेशनल बिजनेस हम प्रॉफिटेबल हो गए हैं एट अ कंपनी लेवल. सो हमारा फोकस है टू क्लियरली नेक्स्ट 3 years में 2 lakh सीटें क्यूरेट करने का 15 cities में. 9 cities में हम ऑलरेडी हैं, 6 cities इस साल ऐड करेंगे और एक्सपैंड फर्दर 19 cities में करेंगे एंड टेक द कंपनी इन 2022 IPO. And that's our clear focus and that's where we are geared for. ये आपने मुझे एक हेडलाइन दे दी है कि ऑफिस 2022 में IPO की तैयारी कर रहा है. इस तरह के बिजनेस में रिटेल निवेशक पैसे लगाएंगे, उतनी एपेटाइट आपको समझ में आ रही है या फिर इसे एक प्योर रियल एस्टेट बिजनेस की तरह देखा जाएगा? हर्षिता, ये प्योर रियल एस्टेट बिजनेस तो बिल्कुल भी नहीं है. ये एक सर्विस का बिजनेस है जहाँ पे आपने एक यू नो अपॉर्चुनिटी दी है इस कंट्री की SME को सॉल्व करने की एंड उस सॉल्यूशन के करके इट्स अ प्योर सर्विसेज बिजनेस. हमारा जो मॉडल है उसमें हम पार्टनर करते हैं अपने लैंडलॉर्ड के साथ. सो हमारा जो सप्लाई क्यूरेशन है इज ऑलवेज इन पार्टनरशिप विद द लैंडलॉर्ड. तो हम अपनी कंपनी को एक सर्विस बिजनेस, एक मार्केटिंग बिजनेस, एक ब्रांडेड बिजनेस की तरह देखते हैं, ना कि एक रियल एस्टेट बिजनेस की तरह देखते हैं. ओके, अमित रमनी, लुक फॉरवर्ड टू दैट IPO एंड ऑल द वेरी बेस्ट. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए. थैंक यू हर्षदा. इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ.